भैया करो पल पल लो तो नौकरी मिल जाएगी। दिल मुसीबत के भैया और कट जाएंगे, घर में रहती शादी की चिंता मत करिए भैया आप। तुम्हारी बहन रोशनी जो कह रही है वो सही कह रही है, तुमको पढ़े जाए के परी। हाँ भैया। बाबूजी भी कह रहे हैं। जिद मत करो भैया। और रोशनी भी कह रही है और माँ तुम्हारी भी इच्छा यही है तो या तुम्हार आखिरी पढ़ाई है, हाईवे का परीक्षा दिए जा रहे हो, हाईवे का परीक्षा दिए जा रहे हो, हमारे पीछे ना हटे हो। कैसी कैसी परीक्षा? हाईवे। अबे हाईवे का नहीं, रोड पर जा रहे हैं। फिर हाईवे का चीज आए, फिर वही का कहा दे तरीका समझाओ। हाईवे का आया है। हाईवे क्या है? वो जो स्कूल में कहना हाईवे में जाइए पढ़ाए। हाईवे में कहते हैं पागल। हाई स्कूल? हाँ। वाह, हाई स्कूल कहती, हाईवे नहीं कहती पागल। हाईवे क्या, हमारी हमारे भैया रोड पे जाएंगे क्या? हाईवे हम कहीं हाईवे पार करे जा रहे हैं। ए, ए, साइड में हो जाओ। अगर सब लोगों की इच्छा यही है कि मैं पढ़ूं, हो सकता है शायद नौकरी मिल जाए तो सब गरीबी दूर हो जाएगी। तो बाबूजी आखिरी बार मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोला बेटा, वह काम मांगना चाहता है। और देर होती पिताजी न दे रुपया मांग के धोखा में 500 रुपया हम देता है एक घंटा के अंदर अंदर। रोशनी जा बैग तैयार करो, नया वाला टॉवल रख देना। ए रोशनी, ओए मां टिफिन में खाना वाला बेटावा का बांध दे, हम दोपहर में खाएगा। ए बच्ची, ओ भैया का वहां बांध दियो, क्या लैया बांध दियो? हां भाई, छौरा बांध दियो। छौरा क्या है पागल? ये गवा बैला है। चावल का पीस के आओ, देखा कहा दी चूरा, चूरा कहा दी सहूल नहीं ने कहा है लबर लबर वही माँ छूरा नहीं तो हुआ तलवार। चला चला देर दिन करा नहीं, शाम का भैया का बटौना का गाड़ियो है ना शाम का, और गाड़ी निकल जाए तो बेकार हो जाए, कहाँ से जाए पीढ़िया। हाँ कमल के बापू जाओ, हमारे बेटवा के लिए पैसा का को इंतजाम जल्दी करके आओ। हाँ देखा हम जाता है, और तू सब अपन तैयारी बनावा। और बेटवा के कपड़ा बड़ा धो दिया, अच्छा गंदे उंदे हो सब सफा कह के ठीक है, खाना वाना बना दिया हम जाए। ठीक है कमल के बापू जाओ। बच्ची
भर दी हो साले कोई लड़की हो क्या उसे जींस का पैंट कहते हैं जींस का पैंट पहले नाम लिया कर ले बहुत मार मारूंगी किसी दिन भाई जींस का टॉप कहा थे बिटिया रोशनी तुम ऐसा करो कि जाओ और जितने कमल भैया के कपड़ा है जाके बैग में रख दो जाके और जल्दी तैयारी भैया बनाओ चल के कुछ खाए का बना लियो आखिर ट्रेन में जाई है तो भूख लगी तो का खाइए चल के आए ओ बच्ची बिटिया रोशनी 100 ग्राम चाय भर दी हो पागल हो का कि बैलाए गए थर्मस मा थर्मस मा अरे थर्मस हाँ लाए के धरे हो ना कमाए के अबे 1200 का थर्मस मिलता है माइक की बातों में मत पड़ो क्योंकि समय हो रहा है जा बिटिया जल्दी से तैयारी बनाओ और भैया जल्दी जाइए पूरी का तो बिटिया तेल ना होई ऐसा करो चाठिया रोटी बना ली हो जा जल्दी रोटी सब्जी बना ले बिटिया जाओ जल्दी जा जा रोशनी जो नया वाला साल रखा है ना चौपट के रख देना क्योंकि अभी ठंडी पड़ती है रोटी बना ले ज्यादा गिपिर गिपिर मत किया कर गुस्साने वाली बात ही करता है कहे रोवे लागे वो बात नहीं है तू नहीं समझता यार बात ये है जैसे तू इस तरह की बातें करता है ना मैं वहां जैसे हॉस्टल में रहता तू वहां ठीक रहता तू कहता बार बार जब मम्मी फोन करती तू यही कहता भैया मुझसे बात नहीं करते बात नहीं करते तू इसी तरह बदतमीजी की बातें करता है यार तो का हम रोज थोड़ो ऐसे अच्छा चलो कोई बात नहीं माँ हाँ बेटा और तेरी उंगली पकड़ के चला जय हिंद बोलते हैं रे हाँ वो है कहीं गली गली भूल गए दिमाग की लाल ये बताओ यस कि हीरापुर की प्रजा खुशहाल है एकदम मालिक हीरापुर की प्रजा खुशहाल है हाँ खा रही है खुशहाल ही है खा रही है सब खुशहाली में आपके नाम के क्योंकि मैं हीरापुर का विधायक हूँ यस हमारा नाम विधायक बाबू राज प्रताप सिंह है हमारे शासनकाल में यहाँ की प्रजा सदैव हमेशा खुशहाली ही रहा करती है नहीं बाबू सरकार आ बैठो हम अपने दोस्त तेजा ठाकुर के आने का इंतजार करते हैं
तशरीफ रखिए मालिक। बड़ी ठाकुर राम राम। छोटे लंबादार हाउ आर यू? जबे बड़े ठाकुर तीजा, हमने तुम्हें कहा था कि हीरापुर की क्रियाशक का हाल चाल क्या है, वहां का समाचार क्या है, कैसे हैं वहां के लोग? बड़े ठाकुर हीरापुर रियासत की तरफ मैं गया था और घूम घूम को चक्कर लगा लगा करके मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि हीरापुर रियासत के सभी लोग खुशहाल हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वाह तेजा वाह तेजा वाह, क्योंकि हम इनका विधायक हूं ना, हमारे रहते हुए और तेजा ठाकुर के रहते हुए भला परेशानी हो सकती है किसी को? अवश्य बड़े ठाकुर, लेकिन फोटो लगा दो, माला चढ़ा दियो, इधर आ दे, इधर साला हुड़ो का चुल्लू तस्वीर रखे उसमें है, उठा के साले पटकूंगा तो पैदाइश भूल जाओगे। साले खामोश खड़े रहो। बड़े ठाकुर आपसे सुखा किसान मिलना चाहता है, ये दोबारा शिकायत है। सुखा किसान मिलना चाहिए? जी बड़े ठाकुर, जाओ उसे सम्मान पूर्वक हवेली के अंदर बुला करके लेकर के अवश्य आओ मेरे दोस्त। लोटा पानी। हेलो हेलो, ज्यादा लिल्ली घोड़ी की तरह साले सरकार की सदा हो जय पढ़ाता है तो वही कहे अब इम्तहान से आया हुआ है ना, तो यानी कि तुम्हारा बेटा कमल? हाँ हाँ हाँ, वही कमल है ना। हाँ हाँ, जो छोड़ के खावा के लेके आवत रहा ना भाई। हाँ, हमारे खेतों में जो काम करता था जो तू। हाँ हाँ लम्बदार, और वो निर्वस्त्र होकर के खेत की खाई पर दौड़ भाग लगाया करता था। हाँ 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 हाँ, विधायक जी वह लड़का सुखा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोला
सुखा तुम हमारे खेतों के मजदूर हो और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे शासनकाल में हमारे इस रियासत में कोई दुखी नजर रहे हा? तो जा कर कहना कमल से पढ़ाई करे जा कर कहना कुछ रुपए अपने बेटे कमल को दे देना और उसमें कुछ पैसे बचेंगे तुम अपने घर के खर्च में ले आना, ठीक है ना? ठीक है। दे जा अपनी पॉकेट से निकाल करके सुक्का किसान को 500 रुपए दे दो। तेजा विधायक जी, आप जानता हो कि हम इतने गरीब किसान हैं, आपके इलेक्शन में बहुत जोर से मेहनत करीता है कि हमारे विधायक जी हर साल विधायक रहा है। और हमारे खेतों की फसल कैसी है सुखा? तो अब की ठीक है लंबरदार, अब की पानी वानी नहर वहा गवा है ना, पानी सब लगा दिया ना, अब बढ़िया बाली निकल आई है। सुखा तेरा अपने पाकर से निकाल करके सुखा किसान को 500 रुपए दे दो। लोड़ा बानी जाओ हमारे रूम में और हमारी पॉकेट से निकाल करके इसे 500 रुपए दे दो। हाँ हाँ बोलो। एक कर्जदार कर्ज ले गया, दे गया था, अभी जेब में है कहो तो दे दे। दे गया था, दे दो निकाल के। काका हाँ बेटो, आपका 500 चाहिए? बस 500 महमा काम चल जाए बेटो। ये देखो तौल लो ज्यादा नहीं, ठीक है 200 की है और 100 का यार 500 हो गया बेटा। अच्छा विधायक जी, हम चली तो है और हम आ बेटा ना जो ना संध्या के तेरे अंश से वह जाए इम्तहान दिए। समस्या को आप हल कर देते हैं। लोटा पानी, आखिर मैं विधायक हूँ ना, क्यों नहीं लोगों की अक्सर मदद किया करता हूँ। ये तो हमारे खेतों का मजदूर ठहरा। ये बताओ लोटा पानी कि हमारी बहन मीना का क्या हाल चाल है, समय से कॉलेज जाती है या नहीं? साहब कॉलेज तो जाती है लेकिन रोज नहीं जाती। किस दिन नहीं जाती है? बीच बीच मांगा कर देती है। वो कैसे? हम कहे थे सब दिन जाती, खाली इतवार को नहीं जाती। पागल हो गया क्या? इतवार तो छुट्टी रहती है, इसलिए नहीं जाती है। हम कहे संडे, तीन 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 हम कहे संडे का छुट्टी
रहा था इतवार को खुली रहा था। पागल हो गया है, संडे और इतवार में क्या फर्क है? इंग्लिश में संडे कहते हैं, हिंदी में इतवार कहते हैं। भाई जन के जहां कहे दोनों अलग अलग आए, दोनों का एक ही दिन है। आपकी बहना आ रही है तो बहना रही है कि बहना रही है बे? हैं? आप तो तय कर तय कि मैं गरमाएं उठ तो है। आने दो, बड़े ठाकुर की बहन आ रही है तो आने दो। हैं? आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ आओ मीना, आओ कहो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या समाचार है? भैया मेरी पढ़ाई के अच्छे समाचार है, लेकिन मैं कुछ आपसे कहने के लिए आई हूँ भैया। बोलो बोलो, बड़ी शौक से बोलो। बोलो मेरी बहन। भैया आपसे हाय यही छोटी सी की मांग है और हमें 5,000 रुपए चाहिए भैया। अच्छा? हाँ भैया। यानी कि 5,000 रुपए चाहिए, ये तो खुशी की बात है मीना, कि तुम्हारे कॉलेज में एग्जाम होने वाले हैं, खूब पढ़ाई लिखाई करो और हमारा सारे जहान में नाम रोशन करो। बच्ची आपकी लिंटर पार हुए जा रही है। लिंटर नहीं तो पागल हो गया क्या? इंटर और क्या? लेकिन मीना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कर करो इसकी चिंता न बहना हमारी, हमारा नहीं बात तुम भूलो।
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भैया, और तुम्हारे साथ में तुम्हारे साथ की सहेलियां भी जा रही होगी ना? हाँ भैया, मेरी सहेलियां भी जा रही हैं। तेजा, हमारे हवेली के राजकोष से निकाल करके मीना को 5,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए दे देना, और अपनी स्कॉर्पियो से मैं बिठा करके मीना को कॉलेज तक छोड़ करके आओ। हम चलते हैं, हमें मीटिंग में जाना है। यहाँ अवश्य दोस्त। तेजा, हाँ मेरे दोस्त, सोच रहे हो क्या? जाओ हवेली से निकाल करके हवेली के खजाने से 10,000 रुपए मीना को दे देना। ठीक है मेरे दोस्त। हम तुम्हें बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हैं? कहाँ पूरी खाए पड़े हैं? मालिक, बकाई में, हैं? हैं? लातों के देव साले बातों से नहीं। हमारी बात को सुनो। एक बात ये बताओ, आज हमने पहली बार देखा है। कहाँ पहली बार देखो? पहली बार नहीं, पहली बार। खीस बंद कर साले। अरे मेहंदारा साला बेटी ही नहीं भाला लौंग दिया। तुम लोग साले सुधरने वाले नहीं हो। घर चुप हो जाओ। अरे मेरी बात सुनेगा कि बाबू आप तो बिलौजे में मारे? बिलौजे में नहीं, हम तुम्हारी चोली में मारते हैं साले। फैली नहीं साले, उनके टांग फैली। लोटा पानी। जब से हमने मीना को देखा है तो तब से हमारे दिल को चैन नहीं है, और ऐसा लगता है कि किस घड़ी मीना हमारे पास आएगी तो हम मीना को अपनी बाहों में उठा करके उसे हम प्यार करेंगे। यानी मीना को आप कहना चाहते हो, आओ मेरी जान। हमारी तरफ मत आना, दूर से बात करना हमसे। अरे तो खाली बताओ कहाँ? सिखिया बाजी साले। कान खोल करके साले हमारी बात सुनो। इधर आओ, इधर आओ, इधर लांग खोल करके सुन ले। लांग खोल के नहीं तो चड्ढी खोल के। अरे कान खोल के। अच्छा, ओ माय गॉड, मेरे साथ में चलो और हमारी इस स्कॉर्पियो गाड़ी निकालो, और हम आज मीना को बिठा करके कॉलेज छोड़ने जाएंगे।
लेकिन तेल निकाल के गाड़ी डालियो, तेल निकाल के गाड़ी डाले हैं, तब हम तो इतनी दूर जाओ, गाड़ी निकाल करके तेल डाले हैं, साले बहुत टिप्पणी लगाता है तू है, चल मेरे साथ में आ जाओ, आ जा मेरे साथ में, चलिए मेरी जाओ। क्या बताओ हो? ए, जाने हो ना? जाने का? तुम साले? एका साले के जत्ते चूतिया बना रहा हो। एका चूतिया नहीं? या साला उठाई गिर है? ये चीज है? ये के साले का नियत अच्छी नहीं ना? पहले तो टोपा गिरा दे। हेलो। टोपा ना टोपिया है। टोपी में का टोपा। ए, एक बात कही? कहो। कही? हाँ बताओ। कही कहा? अरे की हो बदनाम, साले हम कहे बदनाम करब तो क्या? हेलो हेलो, अरे की हो बदनाम, की हो बदनाम, तनी के गोरी हाय की हो कर चुका कि ना ही अपन खुश रहो बेटा बेटवा बाबूजी। हाँ पैसा हम पाए गए हैं और 500 रुपया तुम्हारे खातिर हम ले आए हैं और बेटवा तुम बढ़िया मन लगा के पढ़ाई कर। अच्छा चब्बे तू पागल तो नहीं है? अरे नहीं वक्त ज्यादा बेटा का
खूब पढ़ो उन्नत करो जग में तुम्हारा नाम हो। ऐसी पढ़ाई पढ़ा बेटा मेरा भी सम्मान हो। अगर तुका करो नौकरी मिल जाए ना बेटवा तो गांव से हम आएगा ना। देखा भाई वो सुखा के बेटवा देखा नौकरी पाएगा कैसा बढ़िया काम करता है। तो खूब पढ़ो उन्नत करो जग में तुम्हारा नाम हो। ऐसी पढ़ाई पढ़ो बेटा